हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुष्पा किचन में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी पीने में बहुत स्वादिष्ट होंगे, क्रीमी रहेंगे, बहुत काफ़ी अच्छे लगेंगे और बच्चे को भी बड़े को भी बहुत पसंद आते हैं। चलिए आज मैं मैंगो लस्सी बना रही हूँ। आम की लस्सी बनाने के लिए देखिए, दो आम हम लिए हैं। आम कोई भी आम लीजिए, रसीली आम होनी चाहिए जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आम मीठी होनी चाहिए। देखिए अब इसे हम काट करके निकाल लेंगे। इस तरह से इसका गुदा उदा सब हम निकाल लेंगे जो खाने में बहुत मीठी या जूसी होते हैं। और दही भी लिए हैं, ताज़ा दही, उसी की लस्सी और अच्छी बनती है। ताज़ा दही का ही लस्सी अच्छा लगता है, ज़्यादा खट्टा वाला दही का नहीं अच्छा होता है, इसलिए ताज़ा ही दही लेनी चाहिए। इस तरह से हम निकालेंगे। देखिए इस तरह से सब हम काट लिए हम अपना, बहुत अच्छी लगती है। गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में आम का लस्सी, दही का लस्सी, आप जो चीज़ का लस्सी बनाइए बहुत अच्छे लगते हैं गर्मी का मौसम में। अब बच्चे लोग तो काफ़ी पसंद करते हैं आम की लस्सी का, बड़े को भी पसंद है, बच्चे को भी पसंद है। चलिए हमारी हो गई, अब इसे मैं दही डालूँगी। देखिए ताज़ी दही है, घर में जमाए हैं दही, घर का दही है। मैं 4 चम्मच डालूंगी, 1 चम्मच और डाल दे। देखिए काफ़ी अब इसमें अच्छी हो गए। अब इसमें आप जितना भी डाल सकते हैं चीनी, अब मैं डालूंगी ज़्यादा मीठी चीनी नहीं, मैं ज़्यादा डालूंगी इसमें। आम बहुत मीठे हैं, रसीले आम हैं। 4 चम्मच चीनी डालूंगी। अब इसे हम मिक्सर में चला लेंगे। देखिए आम दही कितने अच्छे ग्राइंड हो गए हैं, कितने क्रीमी हुई हैं और गाढ़े भी हैं। इसमें अगर जो आइस क्यूब डाल दीजिएगा तो पतली हो जाएंगे, लेकिन आपको पीनी है तुरंत तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी 1 घंटे के लिए अगर जो रख दीजिएगा तो अच्छे हो जाएंगे, पीने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। और फ्रिज में आप रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। और इसमें आप चलिए अब सर्व करें। हम गिलास में हम निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी हमारी हुई है। देखिए अब इसमें हम किशमिश डालेंगे। अब गर्मी का तो मौसम चल रहे हैं, गर्मी का मौसम में आम बहुत मिल रहे हैं, आम का सीजन है। आम का सीजन बच्चे लोगों को बहुत पसंद आते हैं ये सब लस्सी, बड़े को भी बहुत पसंद आते हैं। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, पीजिएगा, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कुछ गड़बड़ा जा रही है हमारी, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा हम क्रीम डाल देंगे, बहुत अच्छे लगेंगे पीने में। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। थोड़ी सी गड़बड़ा जा रही है। देखिए इसको अब अगर जो आपको अभी पीनी है तो पी सकते हैं, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए, तो बहुत और अच्छे लगेंगे, ठंडा रहेंगे। अब इसके हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारी अब तैयार हो गई है। और ज़रूर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।